नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय इंटरनेट पॉइंट चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आधार कार्ड जो अभी न्यू पोर्टल आ चुका है और वहां पर आपको एक सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आधार कार्ड को इनरोलमेंट नंबर से डाउनलोड करना, यानी कि जो आपको आधार कार्ड की जो पर्ची मिलती है उससे आप आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और उसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो उन भाइयों ने जो मेरी वीडियो पर कमेंट किया था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक आधार कार्ड न्यू पोर्टल पर जो वीडियो डाली थी, आधार कार्ड को डाउनलोड करना बताया था आधार कार्ड नंबर से, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप आधार कार्ड को एनरोलमेंट आईडी नंबर से कैसे डाउनलोड करेंगे। और बिल्कुल 110% आपको ये वीडियो सक्सेसफुल होने वाली है और आपके फायदेमंद की है। आप किसी भी, अगर आपका एक साइबर कैफे है तो प्रत्येक कस्टमर को आप आधार कार्ड निकाल कर दे पाएंगे। मैं ऐसे एक आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बगल के बेल आइकन घंटे को भी ऑल कर लें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं किस तरह से आप अपने एनरोलमेंट आईडी से यानी अपनी आधार कार्ड की पर्ची से आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, वो आज मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं दोस्तों अपने मोबाइल की। दोस्तों यहाँ पर बगल में आपको जो अभी न्यू पोर्टल है जो हमारा आधार कार्ड का है उसका जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगा दिया है आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा इनरोलमेंट नंबर से अभी इस पे काम नहीं कर रहा है न्यू पोर्टल पे। और दोस्तों ये बगल में एक आपको एक एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको इसमें इनरोलमेंट नंबर से आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना सिखाऊंगा पूरी अच्छी तरह से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, आपको अभी जाना होगा एक प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ डाल देना होगा एम आधार। डालने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नज़र आएगी दोस्तों आधार कार्ड की, तो उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा डाउनलोड आधार कार्ड में, और आधार कार्ड डाउनलोड जैसे करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन खुल कर आएंगे। तो दोस्तों वो दो ऑप्शन है रेगुलर आधार कार्ड और मास्क आधार कार्ड। तो आपको जाना होगा दोस्तों रेगुलर आधार कार्ड में। अगर आप मास्क आधार कार्ड पे टिक कर देते हैं तो आपको एक आधार कार्ड जो होता है हमारा डाउनलोड तो हो जाएगा उसमें भी, हालांकि उसमें आपको एक दिक्कत आएगी, जो आपका आधार कार्ड नंबर होता है वो आपके जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो ही आपको शो कराएगा और सारे इंटू XX बनकर आएगा। तो दोस्तों वे होता है हमारा मास्क आधार कार्ड और आपको डाउनलोड करना होगा रेगुलर आधार कार्ड पे। जैसे रेगुलर आधार कार्ड पे डाउनलोड करेंगे तो आपका कोई भी एक भी अक्षर आपका जो वो गुप्त नहीं होगा, वो आपको सब एक अक्षर शो कराएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे आप रेगुलर आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने 3 ऑप्शन और खुल कर आएंगे। वो 3 ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि आधार कार्ड नंबर और एनरोलमेंट नंबर, बैचलर आईडी और एनरोलमेंट नंबर। तो आपको डाउनलोड करना होगा दोस्तों एनरोलमेंट नंबर से। तो जैसे ही मैं एनरोलमेंट नंबर को डाउनलोड करता हूँ, क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन और खुल कर आएंगे। एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको टाइम और डेट डालना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो फिल करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आपके मोबाइल पर OTP भेज दिया जाएगा, और OTP भेजने के बाद आप उसको फिल करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपके सामने आधार कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा। उसमें जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करने के बाद आपको ओपन हो जाएगा। और ओपन करने के बाद दोस्तों अपना आधार कार्ड किसी व्हाट्सअप या ईमेल पर आप अपना शेयर करके अपने सिस्टम पर ले सकते हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसे मैं भी यूज करता हूँ और आप भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।